हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। दूसरी चीज, अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी के अंदर मैंने क्लियर कट तरीके से एक चीज कही थी कि मार्केट जब तक आपका इस रेंज के अंदर है, और मैं भी पर्सनल यही चाहता हूँ कि मार्केट इस रेंज के अंदर बना रहे, उसके बाद में अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो अपसाइड की तरफ आपको अच्छे खासे मामले अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अगर सस्टेन हो करके कंसोलिडेट करे उसके बाद, तो आज वैसा ही हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला। कल का वीडियो अगर आपने देखा था और यही रेंज थी, अगर आपको लगता है कि वाकई में मार्केट के अंदर एजुकेशन वर्क करती है, मार्केट के अंदर लेवल्स वर्क करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर की बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा अपसाइड का जो लेवल है 52,600 का, ये भाई साहब ऐसे कैसे रहने वाला है, इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं होने वाला है। केवल इसके अंदर जो आपको बदलाव करना है वो करना है केवल और केवल 23 पॉइंट का। अब जो हमारे पास अपसाइड की तरफ लेवल हो जाता है वो हो जाता है 52,623 का लेवल। बात अगर डाउन साइड की तरफ की जाए तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर दे, उससे पहले मार्केट के अंदर एक फॉल नहीं आने वाला। लेवल कौन सा है? 52,000 का साइकोलॉजिक लेवल। पर्सनल मैं क्या चाहता हूं, कंटिन्यू वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं क्या चाहता हूं, मैं मार्केट के अंदर कौन सा सेटअप देख रहा हूं, अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे। देखिए, सेटअप बनने में टाइम लगता है। आप सडनली मार्केट के अंदर उतर जाते हो, सडनली मार्केट के अंदर कॉल पुट करते रहते हो। आज मार्केट के अंदर मॉर्निंग के अंदर मूवमेंट थी, उसके बाद मूवमेंट नहीं थी। आज मार्केट के अंदर मॉर्निंग के अंदर मूवमेंट थी, उसके बाद मूवमेंट नहीं थी। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं आज मॉर्निंग के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये दरिंदे थे, कौन से वाले FI दरिंदे जो मार्केट के अंदर लगातार आपके अक्टूबर मंथ से सेलिंग करते हुए आ रहे, उन्होंने वापस से बाइंग शुरू करी है। कल एक अच्छा खासा मतलब 9,947 करोड़ का माल इन्होंने बाइंग किया है। फिर आज के दिन 26 को भी इन्होंने अच्छा खासा माल बाई किया है। ठीक है, मार्केट के अंदर आज भी इनकी बाई की पोजीशन है, तो अच्छा है हमारे मार्केट के लिए पर्सनल। ठीक है, आज मॉर्निंग में मैंने आपको फिन निफ्टी का एक मामला बताया था कि 24,072 के नीचे ये वाले मामले रह सकते हैं, और उसके बाद में मार्केट ने हमें लगभग लगभग 100 पॉइंट का मामला डाउन साइड की तरफ दिखाया। बट उससे पहले मार्केट के अंदर क्या हो रहा था वो जरूर समझना। एक्चुअल में आज आपके जो प्रीमियम थे, फिर वो कॉल के प्रीमियम थे, वो पुट के प्रीमियम थे, वो किस तरीके से वर्क कर रहे थे। जो कॉल वाले प्रीमियम थे वो जबरदस्त वोलेटाइल थे, और जो पुट के प्रीमियम थे वो भाई साहब बिल्कुल जगह की जगह रुके हुए थे, कहीं ना अपसाइड की तरफ जा रहे थे ना डाउन साइड की तरफ जा रहे थे। पुट के प्रीमियम में क्या देखने को मिला, मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ भी आ रहा था बट आपके पुट के प्रीमियम एक तरीके से डीके नहीं हो रहे थे। वहीं पर अगर कॉल के प्रीमियम की बात करें तो कॉल के प्रीमियम जबरदस्त तरीके से अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन साइड की तरफ जबरदस्त वोलेटाइल करते हुए हमें नजर आए, तो ये वाले मामले देखने को मिले। अगर मॉर्निंग के दौरान आपने अगर मार्केट को, जैसे कि आज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट क्या दिया, मतलब अपसाइड की तरफ ओपन हुआ, ओपन होकर के 52,400 को टच करके मार्केट यहीं से डाउन साइड, उसके बाद में वापस से एक कैंडल बनती है, बट फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ इस तरीके से आ गया, और सडनली सारे दिन मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर घूमता रहा, किसी भी तरीके की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। बट हाँ, प्रीमियम डीके होते हुए हमें जबरदस्त तरीके से देखने को मिले, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके जबरदस्त होता रहा। ये जो रेंज है, इस ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल के लिए 15 मिनट के ऊपर एक जबरदस्त सेटअप जो बनने वाला है वो हमारा यही बनने वाला है। इस रेंज का कल के दिन ध्यान रखना। अपसाइड की तरफ ये रेड वाली कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 52,436 का लेवल। लेवल 400 का है बट 36 का जो बफिंग लेवल है उसको ध्यान रखना। अगर इस लेवल को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकालता तो उसके बाद 52,555 और उसके बाद में 52,620 तक बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ जा सकती है। इस लेवल के ऊपर ही एक अच्छा खासा मामला अपसाइड की तरफ सोचना। और कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ निकालता है, लेवल कौन सा है, लेवल है आपका ये वाला लेवल रहने वाला है 51,938 का। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है
उसके बाद में यहाँ से आपको 200 से लेकर के 270 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। मार्केट अगेन 51,600 तक का मामला डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं भाई साहब, जब तक कल के दौरान ये वाली रेंज, कल के दौरान ये वाली रेंज अगर पर्सनल ब्रेक नहीं हो, उससे पहले आप मार्केट को पर्सनल ले मत लेना, वरना ये आपको इस तरीके से पर्सनल लेगा कि आप कभी इसके पास पर्सनल जा नहीं पाओगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का मामला क्लियर। एक चीज और सुनो, एक अच्छा खासा जैकपॉट मामला, क्योंकि रोज रोज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती है। अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लेनी है, थोड़ा सा स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो मार्केट के बैंक निफ्टी के अंदर पर्सनल मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब ये वाली ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से लगा लेना, इसे कहते हैं चैनल। अब ये काल्पनिक चैनल है, हम पहले बना रहे हैं, ये काल्पनिक चैनल है, इसे हम पहले बना रहे हैं। देखिए काल्पनिक कोई घटना हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, या आपकी एक कल्पना हो सकती है। ठीक है, ये एक तरीके से काल्पनिक चैनल है। आप कहोगे कि देव जी ये चैनल कहाँ वर्क करती हुई नजर आ रही है, जी आज नहीं यार, ये मेरी कल्पना है। ठीक है, तो कल ये आपकी कल्पना बन जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारी काल्पनिक चैनल है, कल देखते हैं वर्क करती है कि नहीं करती है। एक चीज का ध्यान रखना, कल के दौरान ये चैनल के अंदर अगर मार्केट इसी तरीके से वर्क करता हुआ आपको नजर आए, तो भाई साहब पर्सनल बैंक निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग के अलावा कुछ और मत सोचना। ठीक है, बट डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, कौन सा वाला लेवल, इस लेवल को, अगर 52,000 के लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, देखो सडनली यहां मार्केट आकर के, हो सकता है मार्केट यहां आकर के इस लेवल को वापस अगेन रिटेस्ट करे, कौन से वाले लेवल को, 52,000 के लेवल को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट कर लिया तब तक कुछ मत छेड़ना इसको। बट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, 15 मिनट के कैंडल क्लोज कर दे, भाई साहब 200 से लेकर के 250 पॉइंट के फटकारे नीचे नहीं मारे, तो फिर तो मजे ही क्या। ठीक है, और अपसाइड का मामला मैं आपको पर्सनल बता दूं भाई साहब, इस वाले लेवल का ध्यान रखना, ऐसा वाला मामला रहेगा। ठीक है, अगर इस लेवल को निकालती है तो उसके बाद में 150 से लेकर के 200 पॉइंट के मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इस लेवल को निकालती है तो इस वाली जो कैंडल है इसके लो को रिटेस्ट कर सकती है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर इस तरीके से आपको थोड़ी सी काल्पनिक शक्ति के साथ थोड़ा सा काम करना है, तो वो आप कल के लिए देख सकते हैं। बाकी निफ्टी के ऊपर बात करें, पहले ही काफी वीडियो लेट हो चुका है, बट एक्चुअली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है भाई साहब, इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी महीने में एक बार देखने को मिलेगी, तो हल्के में तो लेना ही नहीं है। गौर से सुनो, पर्सनल निफ्टी का मामला अपसाइड की तरफ भाई साहब एक विस्फोटक मामला अगर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा केवल और केवल 24,600 में। आज से पहले बोलता हुआ आ रहा था, बट अब इसके अंदर बदलाव हो चुके हैं। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर प्लस पॉइंट हुए थे, इसके अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया। कौन सा वाला लेवल है? 24,555। इस लेवल के ऊपर नजर बना करके रखना, अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो यहां से झटके से चुंबक की तरह इधर जाएगा 24,600 के आसपास। और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट इस तरीके से रेंज क्रिएट करके अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, तो उसके बाद में तो मजे ही अलग है। ठीक है, फिर हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 24,724 तक के। ठीक है, बैंक निफ्टी का मामला अपसाइड की तरफ। बाकी डाउन साइड का मामला मैं आपको बता दूं भाई साहब, जब तक ये वाला मामला ब्रेक नहीं हो जाता, आज की कैंडल्स के दोनों कैंडल्स का लो सेम है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं कर देता उससे पहले कुछ बड़ा मत सोचना। अगर ये लो ब्रेक होता है तो भाई साहब झटके से यहां तक लो मार देगी, बोले लड़ लो मैं तो आ गई जूस पी के। ठीक है, तो FI का जूस है, तो इसी तरीके से थोड़ा हल्का ही रहता है। देखो क्या पता क्या कर दे, और जिस तरीके से उन्होंने कल माल बाइंग किया है, FI ने कल जो मार्केट के अंदर माल बाई किया है ना, तो उसका जो मामला है थोड़ा सा डरावना वाला मामला लग रहा है मुझे पर्सनल, क्योंकि कभी भी FI इस तरीके से झटका मार सकता है। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक के अंदर। HDFC बैंक के अंदर एक चीज का ध्यान रखना भाई साहब, केवल 1800 के ऊपर हमें इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए। पहले वीडियो में बोला था, आज ये गया था 1811 तक, बट वापस डाउन साइड की तरफ आ गया। बट अच्छी बात क्या है, अभी भी 1781 के लेवल को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अप साइड की तरफ 1800 का लेवल है, डाउन साइड की तरफ 1771 का लेवल है। अगर इसके नीचे आ जाता है, कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर तो वही मामले सारा रहा। वही अगर बात रिलायंस की जाए,
तो भाई साहब रिलायंस इस वाली ट्रेड लाइन को जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा है, कभी यहां पर उल्टा हथौड़ा बनाता है, कभी सीधा हथौड़ा बनाता है, पर इसके हथौड़े लग नहीं रहे, मोटा भाई के हथौड़े लग नहीं रहे। इसके हथौड़े कब लगेंगे इसके ऊपर नजर रखना, 1306 के लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल को निकाल दे तो फिर आपकी निफ्टी भाई साहब जबरदस्त काले कूद पड़े मेला के ऊपर डांस करती हुई आपको नजर आ सकती है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर पर्सनल नजर रखना। अगर इस लेवल को निकालती है तो यहां से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जो लेवल हमें दिखा सकते हैं 1322 तक के। ठीक है, बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो डाउन साइड की तरफ जब तक 1266 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर दे या मार्केट आ नहीं जाए, उससे रिलायंस आ नहीं जाए प्रश्न, तो उससे पहले कुछ बड़ा मार्केट के अंदर मत सोचना। तो ये वाले मामले हैं आपकी बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था, क्योंकि वीडियो पहले ऑलरेडी लेट है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।